नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड दिनभर में। आइए डालते हैं राज्य की प्रमुख खबरों पर एक नजर। उत्तराखंड सन्निर्माण एवं कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा बिंदुखत्ता के जड़ सेक्टर स्थित जनता उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में लगाए गए बहुउद्देशीय शिविर में मजदूरों को साइकिलें, टूल किट, प्लम्बर किट आदि वितरित किए गए। इस दौरान उक्त शिविर में अव्यवस्थाओं का बोलबाला भी रहा। नए एसपी ने दिखाई फुर्ती, कहा लंबित पड़ी विवेचनाओं का जल्द से जल्द करे निस्तारण। रुड़की पहुंचे नए एसपी देहात मणिकांत मिश्रा ने पुलिस अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि लंबित पड़ी विवेचनाओं को जल्द से जल्द निस्तारण करे। हरिश्चंद्र दुर्गापाल को मात देने के लिए यूकेटी जुटा पुरजोर कोशिश में। उत्तराखंड क्रांति दल ने चुनावी संखनाद कर दिया है और इसी के तहत लालकुआं विधानसभा में अपना प्रचार प्रसार शुरू कर दिया है। विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करेगा पौड़ी उपनल कर्मचारी संघ। नियमितीकरण की मांग को लेकर पौड़ी में कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर पौड़ी के उपनल कर्मचारी संघ ने प्रदेश सरकार के खिलाफ रोष जाहिर किया और कहा कि यदि सरकार उनकी मांग पूरी नहीं करती है तो कर्मचारी आगामी चुनाव का बहिष्कार करेंगे। कुमाऊं में भाजपा की परिवर्तन यात्रा का समापन। इस दौरान भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने सीएम पर राज्य की जनता को लूटने का आरोप लगाया। बढ़ रहा है कोहरे का कहर, लेकिन नगर निगम ने नहीं किए हैं अभी तक कोई इंतजाम। रुड़की में कोहरे का कहर बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन अभी तक नगर निगम ने कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किए हैं। रुड़की के एक होटल के कमरे में इंजीनियरिंग के छात्र का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। शव की पहचान नैनीताल के डेकापट्टी निवासी सुमित राय कवल के रूप में हुई है। इन तमाम खबरों को आप विस्तार से देख सकते हैं देवभूमि न्यूज.com पर।